नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड स्टॉक्स के बारे में, जो लिक्विड सेक्टर के 3 प्रमुख स्टॉक्स हैं, जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उसके बारे में। लिक्विड कहते हैं दारू को, जो आप शराब वाइन ये सारे जो स्टॉक्स हैं इसके बारे में आपको पीने के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि ये इंजीरियस फॉर हेल्थ है और ना ही मुझे इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन हम इसके बारे में स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो इन कंपनियाँ हैं जो इस काम को करती है, जो इस प्रोफेशन में है, तो इस प्रोडक्ट को जो बनाती है कंपनियां, उस सेक्टर के 3 प्रमुख कंपनियां जो लीडिंग कंपनियां उसके स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये स्वास्थ्य के लिए हानिदायक है, लेकिन आपके वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ही प्रमुख कंपनियां है। इसमें एक कंपनी में हमारा भी इन्वेस्टमेंट है, उस कंपनी के बारे में बताएंगे, जिस कंपनी में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है इसी टॉप 3 कंपनी में से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर हमारे चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल पर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ हैं, तो चैनल पर जाइए और इन वीडियोज़ को देखिए और म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सीखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा स्टॉक्स है वो है रेडिको खैतान। दोस्तों, रेडिको खैतान बहुत ही बेहतरीन शेयर है और लगातार ये इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया है। चलिए हम आपको चार्ट दिखाते हैं इसका। ये 5 इयर्स का चार्ट है और एक बार मैक्सिमम ईयर का चार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए आप, 2006 के आसपास ये लिस्ट हुआ है, 13 रुपये का स्टॉक था 2003 में, और देख सकते हैं कि ये 2004, 5, 6, 7 तक ये हो गया था कितना, 187 रुपीज़ का। उसके बाद फिर जान ही रहे कि क्राइसिस हुआ था, तो जिस क्राइसिस में, जिस फॉल में ये बहुत तेज़ी से फॉल हुआ था, फिर वहाँ से आप देख सकते हैं 65 रुपीज़ से बढ़ते गया, 143, 140, फिर डाउन आया, और यहाँ से देख सकते हैं कि 94 रुपीज़ 2016, यहाँ से बहुत ही तेज इसमें देख सकते हैं एकदम शार्प मोमेंटम, यहाँ से देख सकते हैं कितना शार्प मोमेंटम इसमें आया था। देख सकते हैं कि ये एक ही बार 400% का रिटर्न दिया था इन्वेस्टर को मात्र कुछ ही महीनों में, और ये 500 के टच मैक्सिमम हाई को टच किया था, फिर अभी देखते हैं नीचे गिरा, बीच में फिर ये ऊपर जा रहा था कि तब तक में ये क्राइसिस आ गया जो अभी आप फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो ये था रेडिको खैतान का चार्ट, और यहाँ पर सब दिन का हाई 52 भी कहा है। देखिएगा, देखिए 439 रुपीज़ तक गया है, ये 52 भी कहा है। मेरा भी इन्वेस्टमेंट इसी स्टॉक में है, मैंने इसे सेल नहीं कर पाया इस हाईएस्ट प्राइस पर, नहीं तो मुझे भी खासा प्रॉफिट होता। चलिए, अभी ये स्टॉक्स बहुत ही नीचे आ चुका है, तो अभी आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ही अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। तो पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और सारे जो स्टॉक्स हैं उसे कंपैरिजन करते हैं। ये स्टॉक्स ही लीडिंग स्टॉक्स नहीं, और भी इसमें 2 स्टॉक्स जो इससे भी बेहतर स्टॉक्स है। आए गए हैं हम NSE के वेबसाइट पर, तो आज का जो हमारा ट्रेडिंग था उसका दिखाते हैं आपको, मतलब 299 रुपीज़ पर क्लोजिंग है, 9 रुपीज़ ये अप था आज 3% से, और देख सकते हैं आज ओपन हुआ था 291 पर, और जो प्रीवियस क्लोज था वो था 289 रुपीज़, और आज का हाई बनाया 306 रुपीज़। तो इस तरह का देख सकते हैं कि आज का ट्रेडिंग रहा इसका। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि कितना परसेंट का आज डिलीवरी हुआ है, और साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वांटिटी ट्रेड हुआ है आज 692,989 क्वांटिटी, जिसमें से डिलीवर हुआ है 237,472 क्वांटिटी, 34% क्वांटिटी डिलीवर हुई है। तो देख सकते हैं इतना क्वांटिटी आज डिलीवर हुई है, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी जो डिलीवर हुए वो तो देख लिया। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास है 40% का स्टेक और सारा पब्लिक के पास, और ये लगातार डिविडेंड भी दे रही है कंपनियां, लेकिन डिविडेंड इसका जो परसेंटेज है, मतलब डिविडेंड यील्ड है, वो बहुत ही लो है। और यहां से प्लेस्ड शेयर की बात करें तो देख सकते हैं कि कुछ शेयर प्लेस्ड भी है, तो ये सारे लिक्विड स्टॉक में आपको देखने मिलेंगे। सारे के सारे जो अभी लीडिंग कंपनियाँ उनके पास भी कर्ज है कुछ ना कुछ, सारे कंपनियाँ पे डेप्ट है, डेप्ट फ्री कंपनियाँ नहीं है, क्योंकि अभी ये कंपनियाँ खास करके अभी अपना मार्केट एक्सपेंड ही कर रही है। तो बहुत ही लो है क्वांटिटी, 4.55% क्वांटिटी ही मात्र प्लेस्ड है, तो ये क्वांटिटी इतना प्लेस्ड है शेयर का। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ब्रांड का, तो देख सकते हैं इसका रेडिको खैतान का जो प्रमुख ब्रांड है, तो रेडिको खैतान के प्रमुख ब्रांड में से 3X रम हर कोई जानता है रम। उसके बाद सकते हैं मैजिक मोमेंटा बोर्ड का
विस्की देखते हैं 8 PM विस्की। तो ये सारा ब्रांड है रेडको खैतान का जो कि बहुत ही फेमस है। और भी इन सारे प्रोडक्ट्स आप इसके बारे में जान सकते हैं कि रेडको खैतान एक नया कंपनी है जो इस सेक्टर में लगातार जो है अपना एक्सपेंड कर रही है। जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ता है, जैसे जैसे मार्केटिंग इसका बढ़ता है, प्रोडक्ट जैसे जैसे फेमस होता है, अच्छा आगे चल करके करेगी। 3XRUM ये तो मैं भी जान रहा हूँ, मैं भी बहुत बार सुना हूँ 3XRUM इसका ब्रांड जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद चलते हैं हम इसके बैलेंस शीट पर। तो देख सकते हैं ये हम आ गए हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। यहाँ पर रेडको खैतान का देख सकते हैं कि हम नीचे चलते हैं तो इसका टोटल शेयर कैपिटल देख सकते हैं 26 करोड़ का है मात्र। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजर्व है कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा है, 1288 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। टोटल डेप्ट देख सकते हैं कितना है, 323 करोड़ इतना टोटल डेप्ट है कंपनी के पास। टोटल लाइबिलिटीज इतना हो गया। देख लेते हैं कंपनी का बुक वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। कंपनी का बुक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंपनी में जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, बुक वैल्यू बढ़ रहा है। तो आप बुक वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो बुक वैल्यू बढ़ रहा है कंपनी का, मतलब इस कंपनी का जो एसेट है उस वो बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। तो क्वालिटी वाइज ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि कंपनी के पास जो कर्ज है वो बहुत ही कम है और सारे जो लिक्विड स्टॉक्स है आगे आपको हम दिखाने वाले हैं उसके तुलना में इस कंपनी के पास जो डेप्ट है, जो कर्ज है वो बहुत ही कम है। तो चलते हैं हम अगले स्टॉक्स पे। अगला स्टॉक से हमारा देख सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स देख सकते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स इसका चार्ट देख लेते हैं कैसा ये शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है। तो ये कंपनियां देख सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे देख सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा दिया है रिटर्न देख सकते हैं इन्वेस्टर को। इस तरह से आप कोई भी चार्ट मिलाइए तो एक लॉन्ग टर्म के पीरियड में ये जो है इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न दिया है। कई बार ये स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली, फिर से ये स्टॉक्स अप मूव किया। तो यही इस सेक्टर की खासियत है, ये बार बार जो है नीचे क्यों स्टॉक्स आती है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग लॉ लेके आते हैं। कई सारे स्टॉक्स जैसे बिहार स्टेट में बैन हो गया, गुजरात में बैन हो गया, ऐसे में इसका बिजनेस इफेक्टेड होता है तो उस समय इस स्टॉक्स में भारी करेक्शन देखने मिलता है। तो इसी तरह से इसमें गिरावट आती है, फिर जाकर के धीरे धीरे रिकवरी आती है क्योंकि जहां पर बैन हुआ वहां पर जो ब्लैकमेलिंग के तहत वहां प्रोडक्ट सेल होता है तो इस तरह से कंपनियों का प्रॉफिट होता है इस सेक्टर में। और NSE की वेबसाइट पर चलते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है कंपनी में और शेयर कितना प्लेस्ड है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं हम। तो प्रमोटर्स के पास कुल है 56%, पब्लिक के पास है 43%। कंपनियाँ डिविडेंड नहीं पे करती है, देख सकते हैं कंपनियाँ टू इतना फेस वैल्यू स्प्लिट्स 10:2 पर शेयर 2008 में स्प्लिट्स हुआ है। उसके बाद यहाँ देखते हैं प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप शेयर होल्डिंग में 2.42 इतना परसेंट जो है प्रमोटर्स का जो शेयर है वो प्लेस्ड है। तो इतना शेयर प्लेस्ड है वो फिर देख सकते हैं इतना शेयर प्लेस्ड है तो प्रमोटर्स का जो शेयर है वो प्लेस्ड है। तो सारे लिक्विड स्टॉक में आपको देखने मिलेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके ब्रांड, जो फेमस ब्रांड है यूनाइटेड स्पिरिट्स के, उसमें देख सकते हैं एंटीक्विटी बैग पीपर मैकडोनाल्ड नंबर वन, मैकडोनाल्ड नंबर वन प्लेटिनम, मैकडोनाल्ड सिंगल माल्ट, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो तो देख लीजिएगा, रॉयल चैलेंज सिग्नेचर। सिग्नेचर तो बहुत ही फेमस है, सिग्नेचर हमें भी कई बार सुनने मिला है। ये जो है बहुत ही फेमस ब्रांड है इसका सिग्नेचर, और भी ये सारे मैकडोनाल्ड ये सब भी फेमस ब्रांड है इसके। आप भी जो इस क्षेत्र पे काम करते हैं उससे पूछ सकते हैं, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है। तो जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो यही करते हैं, मार्केट में किस प्रोडक्ट का डिमांड है उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या आप जो चीज़ डायरेक्ट यूज करते हैं डेली बेसिस में उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी अच्छे लगेंगे, मतलब जो ज़्यादातर आदमी को अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित है मार्केट में उसका डिमांड है, तो वैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करें। चलिए हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स है, नीचे चलते हैं। तो रिजर्व है कंपनी के पास बेहतरीन है, देख सकते हैं 2986
इतना करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, डेप्ट भी बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास। देखते हैं इस कंपनी के पास डेप्ट 2572 करोड़ का डेप्ट है इस कंपनी के पास। एक कंपनियां भी बड़ी है, रेटको खतान से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लाइबिलिटीज़ भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है। तो यही एक लिक्विड स्टॉक में आपको दिक्कत देखने मिलेगा, हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ डेप्ट है। रेडको खैतान के पास कुछ कम डेप्ट था, इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपनियां भी बहुत बड़ी है, इसे कई सारे फेमस ब्रांड आपने देखा। कैश और बैंक बैलेंस निगलिजिबल है, 58 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है, बहुत ही कम है। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर बुक वैल्यू, कंपनी का बुक वैल्यू लगातार यहाँ पर देख सकते हैं डिक्रीज हुआ है। पिछले साल बढ़ा था बुक वैल्यू, इस साल देख सकते हैं कि अभी जो पिछले मतलब साल है उसमें बुक वैल्यू डिक्रीज हुआ है, बहुत ही तेज डिक्रीज देखने मिला है। 172 करोड़ था बुक वैल्यू, तो 43 करोड़ पे आ गया है। मतलब कंपनी का एसेट जो है वो बहुत ही लॉस हुआ है, कंपनी के एसेट में बहुत ही कमी आई है। अगले स्टॉक पे चलते हैं, तो वो है हमारा यूनाइटेड ब्रिवरेज लिमिटेड। देख सकते हैं यूनाइटेड ब्रिवरेज अभी करेंट प्राइस है इसका 949 रुपीज़, और वहीं आपने देखा था यूनाइटेड स्प्रिट्स का करेंट प्राइस कितना था, 532 रुपीज़। और यूनाइटेड ब्रिवरेज जो है इसका जो अभी करेंट प्राइस है वो 949 रुपीज़, और जो रेडको खैतान था उसका देखते हैं करेंट प्राइस कितना था, 299 रुपीज़। रेडको खैतान का जो करेंट प्राइस है वो सबसे कम है, और यहाँ पर मार्केट कैप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैप भी देख सकते हैं, ये है 39.99 बिलियन, और यहाँ से आप यूनाइटेड स्पिरिट का भी देख सकते हैं इसका मार्केट कैप कितना है देख सकते हैं, उससे 10 टाइम्स से देख सकते हैं 386.79 बिलियन। और वहीं आप यूनाइटेड ब्रिवरेज का देख लीजिए, तो ये है 250 बिलियन। तो मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन में है, उसके बाद है यूनाइटेड ब्रिवरेज। तो देख सकते हैं, तो इस स्टॉक्स का हम रिटर्न देख लेते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो देख सकते हैं आप 2010 के आसपास ये कंपनी लिस्ट भी है, और कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है ये कंपनी आप देख सकते हैं, देख लीजिए इस तरह से। अभी जो हमारा सिचुएशन है उसमें ये शेयर लगातार नीचे गिरावट में आया है, नहीं तो देख सकते हैं अभी नीचे आया है, नहीं तो इसका लगातार अप ट्रेंड में था। तो बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है, तो आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के लिए ऐसे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम NSE की वेबसाइट पर आ चुके हैं, तो देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है। देखते हैं प्रमोटर्स 57% होल्डिंग है, पब्लिक का 42%, और यहाँ पर लगातार ये देख सकते हैं डिविडेंड भी पे करती कंपनियाँ, लेकिन इस कंपनी का जो देखते हैं 18% शेयर प्लेस्ड है, इस कंपनी का 18% शेयर प्लेस्ड है, देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी प्लेस्ड है। ऐसे 25% से ऊपर चला जाए तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कंपनियां लोन पे करने में, शेयर को प्लीज से छुड़ाने में बहुत ही ज़्यादा हैवी लोन पे करना पड़ता है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं इसके फेमस ब्रांड जो यूनाइटेड ब्रिवरेज है उसका बुलेट हो गया, कैनन देख सकते हैं 10,000 हो गया, उसके बाद कल्याणी ब्लैक लेबल, यूबी एक्सपोर्ट, जिनगारो, लंदन पिल्सनर। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में कहीं दिक्कत हो तो आप देख लेना। यहाँ पर देखते हैं कि जो बुलेट है राजस्थान का फेमस, मतलब राजस्थान में फेमस था इसका, और ये जो कैनन 10,000 है लीजेंड लेगसी ब्रांड ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में फेमस था। तो इस तरह से देख सकते हैं, कभी राजस्थान बैन लगा देता है इस पे अल्कोहल पे तो फिर ये कंपनी काफ़ी अफेक्टेड होगी, महाराष्ट्र बैन लगा देता है काफ़ी अफेक्टेड होगी। तो इस तरह से इस स्टॉक पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसमें भारी गिरावट बीच बीच में देखने मिलता है। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं। हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड ब्रिवरेज है। नीचे आते हैं तो रिजर्व इस कंपनी के पास बेहतरीन है, क्योंकि मार्केट कैप में ये जो कंपनियां यूनाइटेड स्पिरिट से बहुत ही नीचे है, लेकिन इसका देख सकते हैं रिजर्व बहुत ही ज़्यादा है इस कंपनी के पास। उसके बाद आते हैं टोटल डेप्ट, डेप्ट निगलिजिबल है, 81 करोड़, बहुत ही लेस डेप्ट है कंपनी के पास। डेप्ट देख सकते हैं पिछले साल था, लेकिन डेप्ट अपना बहुत ही कम कर चुका है। बस शेयर प्लेस्ड, जो शेयर प्लेस्ड है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा है, 18% शेयर प्लेस्ड है, अगर वो छूट जाता है तो फिर ये कंपनियों का जो शेयर है वो रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है कंपनियों के लिए, मतलब जो प्रॉफिट है कंपनियों का लगातार इंक्रीज कर रहा है, और सिर्फ इसमें जो प्लेस्ड शेयर है
वही एक डिफेक्ट है, बाकी बाल इस शेयर में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। कई सारे ब्रांड है जो कि फेमस है। उसके बाद आपको देखा देते हैं जो कैश और बैंक बैलेंस है, निग्लिजिबल है। बैंक बैलेंस देखते हैं 45 करोड़ है, निग्लिजिबल है। तो डेप्ट भी निग्लिजिबल था, बैंक बैलेंस भी निग्लिजिबल है, लेकिन रिजर्व कंपनी के पास बहुत है। सिर्फ शेयर जो प्लेस्ड है वही एक डिफेक्ट है। उसके बाद देख सकते हैं बुक वैल्यू, कंपनी का बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हुआ है, मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज बुक वैल्यू होता है कंपनी का, जो लगातार इंक्रीज किया है। तो ये थे तीन प्रमुख स्टॉक्स लिक्विड सेक्टर से, जो लिकर सेक्टर है हमारा, जो दारू का सेक्टर है, जो अल्कोहल सेक्टर है, शराब का सेक्टर है, कहे जो बियर का सेक्टर है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है चाहे कुछ। हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बोले, आपके वेल्थ क्रिएट करने के पर्पज़ से बोले, जब भी इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और अपना रिसर्च भी कर लें। हमारा जो इन्वेस्टमेंट था इसमें रेडिको खैतान में है, और ये शेयर जो हमारा हमको अच्छा रिटर्न दे रहा था, लेकिन हमने सेल वहाँ नहीं कर पाया हायर प्राइस पर। फिर ये लगातार ये जब मोमेंटम पकड़ता है ऐसे स्टॉक्स, जैसे इसका क्वार्टर का रिजल्ट आता है, प्रॉफिट में आता है, तो ये स्टॉक्स बहुत ही तेज मोमेंटम पकड़ता है। अभी आपको बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो आप इन स्टॉक्स में अच्छे वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।